आपके साथ कुछ ऐसा हाँ मेरे हाथ में कभी ऐसा हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ हुआ है जो मैं बताऊंगी कुछ नहीं आप दुखियारी कहानियाँ किसको बताऊंगी वैसे मेरा पीला टॉप आपने काफी बार देख चुके हो और आप लोगों को पता है भी है कि मेरे ऊपर एक्चुअली आज हमारा सामान आया है अमेज़न से, क्योंकि महीना की शुरुआत में तो आ ही जाते हैं। अच्छा कहानी यही है कि मिस्टर राज ने देखा कि मैं येलो टॉप पहन रही हूँ और फिर खुद भी जाकर येलो ही टी शर्ट निकाल कर लाए। अगर आप चाहे तो सन ग्लासेस पहन सकते हैं। येलो नीचे लेंस कार्ड से ले वो तो ले लेंगे, बट यार वाइट वाइट मैचिंग मैचिंग अच्छा लगता है, ब्लू ब्लू अच्छा लगता है, ब्लैक ब्लैक, बट ये येलो येलो टू मच मुझे लग रहा है यार। मतलब मेरा येलो देखकर आपको नहीं पहनना चाहिए था, मतलब मैंने पहना बोलकर राज ने पहन लिया। एक जैसे ही रखना चाहिए ना येलो बैंड पर आज को इंसिडेंटली नहीं हुआ है, आज ये मोमेंट बनाया गया है। कभी मैंने येलो के साथ इस तरह से किसी कपल को देखा नहीं है। तो कौन सा येलो? ये मैंगो येलो है और ये लेमन येलो है। ये मेरा पत्ता भी लेमन येलो है। हाँ ये भी लेमन येलो है, ये मैंगो येलो है, थोड़ा सा केसर केसरी टाइप का केसरी है। हाँ ये केसरी येलो है। चलिए कैसे सब लोग क्या बोलेंगे, हम जा रहे हैं अनिका को लेने। वैसे ये इरिटेटिंग सी हमारी लिफ्ट की आवाज, मुझे पता नहीं क्यों, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम थोड़ा शर्म आ रही है यार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि क्या बोलेंगे सब लोग। मैं तो गाड़ी से उतर के पहले स्कूल के अंदर भाग जाऊंगी, क्योंकि राज बाइक लेकर बैठे रहते हैं और मैं जाकर लेकर आती हूँ। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आज की वीडियो का हेडिंग भी यही होगा कि पति ने कैसे ऑकवर्ड फील कराया अपनी बीवी को यही होगा फॉर श्योर। चलिए लेकर आते हैं निकल के। तो लाइफ में कई बार ऐसा होता है ना कि थोड़ा बहुत मैं भी कमाती या एक्स्ट्रा इनकम हो जाती तो कितना अच्छा लगता है ना, लगता है कि नहीं। तो उसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है मेरे पास, पर मेरे पास एक कुर्ती है जो मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगी, जो कि मैंने रिसेंटली ऑर्डर की थी। और ये कॉटन की कुर्ती है, गर्मी के दिन आने वाले हैं तो कॉटन की कुर्ती परफेक्ट होगी, है ना, गर्मियों के दिनों के लिए। तो कलर तो आप देख ही पा रहे कितना प्यारा कलर है। और वैसे एक्चुअली ये कैसा दिखता है वो दिखाने वाली थी मैं, पर ये कुर्ती आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से वो फोटो गायब हो चुकी है, तो अब वो फोटो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। बट मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये एक बहुत ही प्यारा सा पीच कलर की कुर्ती है, प्योर कॉटन है, और इसके ऊपर व्हाइट कलर की इस तरह प्रिंट की गई है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसकी लेंथ काफी बड़ी है, इसका कपड़ा भी काफी मोटा है, और ये एक प्लाजो कुर्ता सेट है। ये देखिए प्लाजो है, प्लाजो में भी इतनी नाइसली इस पर काम किया गया है कि इसे आप मतलब सिर्फ प्लाजो के ऊपर कोई क्रॉप टॉप वगैरह के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं। तो चाहे आप इसे कुर्ती के साथ पहन लीजिए या फिर बिना कुर्ती के, बहुत प्यारा लगने वाला है। तो मैं आपको दिखूंगी बहुत जल्दी ये पहनते हुए, पर मैं आपको बता दूं कि इसे खरीदते खरीदते मैंने अच्छी खासी अर्निंग की है। इनफैक्ट इसे नहीं, आप स्क्रीन पर इस समय बैक टू बैक कुछ कुर्तियां देख रहे हैं, इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कुछ दिनों के लिए। जी हाँ, ये सारी कुर्तियां मीशो से है, और कुछ दिनों पहले जब मैंने अपने लिए ये कुर्तियां मंगवाई तभी मेरी ये वाली अर्निंग डिटेल्स भी आप देख लीजिए। जी हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि मैं थोड़ा बहुत तो अच्छा खासा कमाई लेती हूँ मीशो से। अब मीशो से मैं सिर्फ शॉपिंग करते हुए कमा रही हूँ, और मेरी जो रेफरल
रेफरल लिंक है जिसे मैंने मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी मदद से मैं अच्छा खासा अर्न कर ले गई हूँ। पर सोचिए अगर मैं रिसेलिंग का इस मीशो के काम को चालू कर दूँ तो और कितनी अच्छी अर्निंग होगी। इनफैक्ट मैं कुछ ऐसी औरतों से मिली भी हूँ प्रीवियस डे में, पिछले साल में मिली थी, और वहाँ पर मैंने देखा कि वो औरतें घर बैठे बैठे अच्छा खासा कमा रही, 50-60 हज़ार रुपए तो आराम से वो औरतें कमा रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये काम कि इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत आसान सा काम है, आपको कुछ घंटे देने हैं। मीशो का आपको जो ऐप है, जो रीसेलिंग का ऐप है, नंबर वन है इंडिया का इस समय का रीसेलिंग ऐप, इसे डाउनलोड करना है, इसे इंस्टॉल करना है, इसमें अपना लॉगिन बना लेना है, और फिर क्या, मीशो में बहुत सारी चीजें आपको रीसेलिंग के लिए मिल जाएगी। आप खुद के लिए शॉपिंग कर सकते हैं या अपने परिवार के लिए, फ्रेंड्स के लिए, और इतनी सारी कैटेगरी गुड क्वालिटी वाली चीजें आपको मिल जाएंगी। अब आपको करना क्या है, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप के थ्रू अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इन चीजों को शेयर करना है, उन्हें कुछ चीजें पसंद आ जाती है तो उसके लिए ऑर्डर प्लेस करना है उनके नाम से, और हाँ कमीशन जोड़ना है। कमीशन जो है वो ही आपकी अर्निंग है। अब क्या है कि जैसे ये कुर्ती मैंने समझ लीजिए 500 रुपीज की खरीदी है, पर मुझे अपनी फ्रेंड को इसे बेचना है तो मैं इसे 600 में बेच दूंगी, तो 100 रुपए जो हो गया वो मेरा कमीशन और वही मेरी अर्निंग। तो इस तरह से आप हर एक सेल पर अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, कमीशन आप कितना भी लगा सकते हैं, उस पर कोई लिमिट नहीं है। तो मुझे ये रीसेलिंग का काम बहुत अच्छा लगा, एक तो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ है, ऊपर से इस समय होली की ऑफर्स इतनी अच्छी चल रही है, इनफैक्ट कुछ ना कुछ त्योहारों की ऑफर इस पर चलती रहती है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको यहाँ पर चीजें मिल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम औरतों के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए या फिर कोई ऐसा है जिसे एक्स्ट्रा इनकम करनी है अपने काम में, तो डेफिनेटली मीशो से अर्निंग करनी चाहिए। इसकी जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, चेक जरूर करिएगा, एंड आई एम श्योर कि आप भी मीशो ज्वाइन करेंगे और खुद के लिए शॉपिंग कर लीजिए और थोड़ा बहुत अर्न कर लीजिए, उसी में आपको भी बहुत खुशी मिल जाएगी, या फिर आप अच्छे से रीसेलिंग का बिजनेस भी स्टार्ट करके कर सकते हैं। आ चुकी हूँ मैं, और अगर आपके आंखों में कुछ ज़्यादा ही येलो येलो लग रहा है तो थोड़ा सा आज के दिन सह लीजिए। इस वीडियो को जैसे ही आप लाइक कर दोगे ना, वैसे ही ये जो आंखों में परेशानी हो रही है ना येलो वाली, वो ख़त्म हो जाएगी आपकी। और इसे पीलिया बोलते हैं, जब आपको सारी चीज़ें येलो दिखने लगती है उसे पीलिया बोलते हैं, एंड आपको अगर पीलिया हो रहा है तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राज है, ठीक है, उनकी जीत की वजह से। इस तरह से हम लोग दिख रहे हैं। ओके, और बुड्ढी के बाल लिए है वो भी येलो कॉम्बिनेशन के साथ, है ना? कम येलो वाला लिया तुमने, ज्यादा वाला लिया? अच्छा यही है, ये ज्यादा वाला। तो अनिका को बुड्ढी के बाल में कोई इंटरेस्ट नहीं, बट मुझे बहुत पसंद है, मुझे ऐसा लगता है। और आज बहुत दिनों बाद आया था ये, मैं खुद खुश हो गई, आंखें चमक गई, बाय गॉड बता रही हूँ, मतलब वही अनिका बोल रही है पैंट भी क्यों ब्लू पहना, येलो ही पहनते हैं, येलो पैंट, येलो बेल्ट, येलो शूज, नेक्स्ट टाइम शूज में हल्का येलो है, हल्का इसलिए तो हल्का सा येलो है, टू मच येलो, येलो टाइम। चलो इसकी कहानी बताता हूँ तुमको, चलो ये चलो, येलो येलो टाइम चलो। अच्छा नहीं आता ये? अच्छा होता है, लेकिन ये ऐसे फूला क्यों होता है? इसके बाद शायद फिर मैं कभी खाऊंगी नहीं। मुझे तो नहीं फुलाया, तो रेस्टोरेंट रह चुका है, मुझे पता है सब कैसे होता है। मुझे फुलाया तो बता दो, मुझे लग रहा है मुझे फुलाया उसने। शी येलो फीवर ख़त्म हो गया, मैंने येलो निकाल दिया है, मैंने ब्लू पहन लिया, रात चले गए हैं ऑफिस। तो जेसीबी एक्चुअली नीचे से जा रहा है, जेसीबी का बड़ा फीवर चढ़ा था कुछ दिनों पहले, और इस समय अगर किसी चीज़ से हम सब लोग डरे हुए हैं, भयभीत है, तो वो है कोरोना वायरस। और इसके बारे में आप सबके पास इनफ नॉलेज है, और नहीं है तो प्लीज़ जाइए देखिए कि कैसे ये फैल रहा है,
क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं। रीज़न यही है कि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है और जो भी इसके लपेटे में आ रहा है कहीं ना कहीं काफ़ी मतलब परेशानी क्रिएट हो रही है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप डेफिनेटली न्यूज़ इसमें देख रहे हैं और काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया पर इसके बारे में इतना आजकल नॉलेज स्प्रेड हो रहा है। तो अगर आप अभी भी नहीं जानते हैं इसके बारे में ज़्यादा, तो प्लीज़ अपने आप को इससे थोड़ा सा वो कर ले, रूबरू कर ले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल से प्रिकॉशंस है पर ध्यान से करिए, ध्यान से बिल्कुल भी चीज़ों को अवॉइड मत करिए। ये बुलेट्स और ये बुलेट की आवाज़, तो प्लीज़ अवॉइड मत कीजिए और यार केयरलेस मत हो जाइए। थोड़ी सी भी चीज़ या थोड़ी सी भी केयरलेस गिरी हमें कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है आप जानते हैं ना। सो आई एम श्योर आप ध्यान देंगे और हमसे ज़्यादा तो हमें हमारे परिवार का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल जाते हैं सब जाते हैं, तो उन्हें इस चीज़ के लिए आपको प्रॉपर गाइड करना चाहिए। तो शाम के नाश्ते के लिए साबूदाना वड़ा बन रहा है, डिमांड ऑलरेडी सुबह ही बता दी गई थी। जी हाँ, हमारे घर में जो साहब है आप जानती है, मेरी सासू माँ, उन्होंने डिमांड बता दी थी, तो मैंने सुबह ही साबूदाना भिगो दिया था। आलू उबल गए हैं तो साबूदाना वड़े बनेंगे और काजू को मैं हमारे एयर फ्रायर में फ्राई करने जा रही हूँ, क्योंकि रोस्टेड काजू खाने में अच्छा लगता है। और शाम के बज रहे 5:15, तो इस समय मैं किचन में डेफिनेटली आने वाले 1.5-2 घंटे के लिए होती हूँ। तो लास्ट क्लिप आपने देख ही ली, साबुदाने के वड़े बनकर सबने खा भी लिए। मैंने और अनिका ने अभी तक नहीं खाए हैं। दे दूं तुमको? एक्चुअली अनिका का चल रहा था म्यूजिक क्लास, तो म्यूजिक क्लास डन डन डन। बेबी ये सारी चीज़ें रख दो बेटा जगह पर, तो म्यूजिक क्लास भी हो गया। सुनाने वाली थी आज आपको अनिका का थोड़ा सा गाना, बट मैं खुद ही बिजी हो गई आज। इतने ब्रांड के फ़ोन से मैं क्या बताऊँ, कुछ ब्रांड्स को काफ़ी चीज़ें डिटेल में बतानी पड़ती है, क्योंकि वो लोग भी इस फील्ड में नए होते हैं। सो दे वांट कि नो कि कैसे होता है, क्या होता है, कैसे काम आता है, मतलब ये सारी चीज़ें कैसे चलती है। अब हम जब इसी प्रोफेशन में है बहुत सालों से नहीं, पर आप 4 साल तो बोल ही सकते हैं, तो उनको चीज़ें थोड़ा सा समझानी पड़ती है, क्या प्रोसेस होती है, कैसे चलता है, तो वो सब बताया मैंने। और उसी में मेरा आज काफ़ी समय गया, लाइक आज बैक टू बैक 3 ब्रांड से बात करनी पड़ी मुझे। एंड जनरली आजकल मैं बहुत थोड़ा कम कर चुकी हूँ ये सारी चीज़ें, रात ज़्यादा करते हैं, मैं थोड़ा सा सिर्फ कंटेंट बनाने पर ध्यान देती हूँ और कंटेंट में क्या रिक्वायरमेंट है उसका मैं ध्यान देती हूँ। पर आज समहाउ मेरे नंबर पहले भी काफ़ी फैल चुके हैं सारे ब्रांड्स के पास, तो मेरे पास भी अभी भी फ़ोन आ रहे हैं। बट अभी जो भी न्यू इंक्वायरीज आती है एनी प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए, उसके लिए हम लोग राज का ही नंबर और उनका ही ईमेल आईडी अभी इस समय देते हैं। और क्या मैं बता रही थी आपको, जो मेरे मुंह पर आया और चला गया, यानी हाँ, आज मैंने यूट्यूब से भी एक मीटिंग की थी। हमारे मैनेजर होते हैं हमारे चैनल्स के, सो एवरी मंथ के स्टार्टिंग में वो चाहते कि हम उनसे बात करें, तब मैंने बात की थी व्हाट अबाउट द फैन फेस्ट, इस साल फैन फेस्ट की कोई अभी तक अपडेट नहीं है। सो डेफिनेटली फैन फेस्ट की अगर अपडेट अभी तक नहीं है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस,
तो काफ़ी सारे इवेंट जो है इसकी वजह से कैंसिल हो रहे हैं। इनफैक्ट जो होली के भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं वो भी इस साल नहीं होने वाले। आज के ही न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, मैंने नीराज ने पढ़ा, उन्होंने मुझे बताया कि इस साल काफ़ी सारे जो बड़े बड़े वो लगते हैं होली के प्रोग्राम्स वो नहीं होने वाले हैं, क्योंकि कोरोना वायरस इतना गंदी तरह से स्प्रेड हो रहा है, ईजीली स्प्रेड हो रहा है। तो इन सब से दूर रहना ही भलाई है, इसमें ही भलाई है। और हाउस अरेस्ट, ये प्रॉपर वर्ड होगा, अगर इन सब से दूर रहना ना तो हाउस अरेस्ट हो जाना है, ऐसा मुझे भी लगता है। तो वैसे भी आपको पता ही है कि नोएडा में तो एक स्कूल को आई थिंक 21 मार्च तक के लिए बंद भी कर दिया है। तो सोचिए, मतलब एक ही खौफ हो गया है और कितनी बड़ी चीज़ हो गई यार। और कब में ये इंडिया में भी आ गया, कब में ये स्प्रेड होना भी चालू हो गया, मतलब सिर्फ सुन रहे थे कि हो रहा है हो रहा है हो रहा है और ये इंडिया में भी होने लग गया। तो मैं थोड़ा सा डरी हुई हूँ, ट्राइंग माय बेस्ट कि हर वो प्रिकॉशंस जो हमें करनी चाहिए उनको मैं ध्यान देकर करूँ। तो नेक्स्ट अप की बोल रही फैन फेस्ट की, तो आपको थोड़ी बहुत मेरे से इनसाइड मिल ही गया कि नहीं होने वाला है इस साल। इनफैक्ट एक दिल्ली में इवेंट भी रखा था यूट्यूब ने, उसके लिए खैर मैं वैसे भी नहीं जाने वाली थी, बट आज मेरी मैनेजर बोल रही थी कि अगर बुकिंग नहीं की है तो मत करना। मैंने बोला वैसे भी मैं नहीं जा रही थी तो शी सेड कि हाँ अच्छा किया, क्योंकि हम लोग नहीं करने वाले कोरोना वायरस की वजह से। आज ही एक्चुअली उनको भी ईमेल रिसीव हुआ उनकी हेड से कि आगे नहीं करेंगे। उनकी भी बात सही है, प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, एंड ऐसी चीज़ में तो डेफिनेटली ज़रूरी है। आपको भी मैं यही बोलूँगी कि कुछ आप प्लान कर रहे हैं वैकेशन वगैरह के लिए तो प्लीज़ थोड़ा सा ठहर जाइए। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, मेरा और राज का और अनिका का, हम तीनों का प्लान था कि हम लोग मार्च मिड में दिल्ली साइड जाए, क्योंकि हमें कुछ हमारी चीज़ों के बारे में डिस्कस या कुछ करना था, मतलब कुछ ऑफिशियल काम ख़त्म करने थे। बट हो सकता है मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, अगर बहुत इम्पॉर्टेंट रहा तो डेफिनेटली जाना पड़ेगा, बट नहीं भी जाएंगे क्योंकि यार आपको पता है जान, तो मतलब बोलते हैं ना जान है तो जहान है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मुझे एक बड़ा काम करना है, जो चीज़ें मैं रिव्यू कर चुकी हूँ जिन्हें अब मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ उन्हें सबको इस अमेज़ॉन पेंट्री के बड़े से डिब्बे में वापस डाल देना है, जिससे मैं किसी और को दे सकूँ। क्योंकि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरी पूरी बॉटल्स को फिनिश करके इस्तेमाल करूँ, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मैं इन्हें लगभग एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन इस्तेमाल करती हूँ और तब तक मुझे समझ में आ जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है, पर पूरा फिनिश करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि आई हैव लाइक टन्स ऑफ प्रोडक्ट, तो टन्स ऑफ प्रोडक्ट तो मैं ख़त्म नहीं कर सकती, तो मैं इस तरह से जमा करके फिर देती जाती हूँ। तो ये काम मुझे ख़त्म करना है, जिसके लिए मुझे करने में आलस आ रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं कुछ और पहनी थी और अभी ये पिंक कलर का ड्रेस, जी आपने कलर तो देख लिया, ये एक बहुत ही प्यारा सा सूट है। तो मेरी एक व्यूवर है जिसका इंस्टा शॉप है और उसने मुझे ये गिफ्ट भेजा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर इसकी प्रॉपर फ़ोटोज़ आपको मिलेंगी इंस्टाग्राम पर, मैं वहाँ पर शेयर करूँगी, यहाँ पर नहीं दिखाऊँगी, इसलिए फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गाइज। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो जो भी मेरे व्यूवर्स होते हैं और अगर वो चाहते हैं कि मैं उन्हें थोड़ी बहुत हेल्प करूँ इस तरह से, तो मैं उन्हें करती हूँ, बट कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर देते हैं, वहाँ पर मैं उन्हें हेल्प नहीं कर पाती, क्योंकि हेल्प उतनी ही कर सकता है आदमी जितना वो करने लायक है। कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो आप उंगली देने जाओ पूरा हाथ पकड़ लेते, वो नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एक पूरा जो भी प्लेटफॉर्म मैंने अपने लिए बनाया है, आपके हेल्प से तो बनाई है डेफिनेटली, पर उसके पीछे मेरा भी बहुत मेहनत है। तो ऐसे कैसे मैं किसी को इतना हेल्प कर सकती हूँ, बट जितना मेरे से हो सकता मैं कर सकती हूँ। इन्हीं में से एक मेरी प्यारी सी व्यूअर ने मुझे ये ड्रेस भेजा, तो मैंने बोला यस आई विल शो इट ऑन इंस्टाग्राम।
कुछ बताने जा रही हूँ जो आज मेरे साथ हुआ। वैसे दोपहर के 2 बज रहे हैं, पर ये जो शुरुआत हुई थी ये सुबह 8 बजे हुई थी, और आपके साथ शेयर करना तो बनता ही है क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे करना था और फिर कुछ और हो गया। तो सबसे पहले सुबह मैं अपना उठी, टिफ़िन बनाई, अनिका को स्कूल छोड़कर आई और फिर आराम से घर पर रिलैक्स होकर बैठी, मोबाइल हाथ में लिया। जनरली मैं मोबाइल को हाथ तब तक नहीं लेती जब तक अनिका को स्कूल ना छोड़ दूँ, उसके बाद ही मोबाइल हाथ में लेती हूँ। मोबाइल लेने के बाद कभी मैं फेसबुक भी चेक नहीं करती हूँ, आज पता नहीं क्यों फेसबुक चेक किया। अब जब फेसबुक चेक किया तो सामने ही कस्टर्ड कैरेमल की रेसिपी, वो भी एग वाली, और आज थर्सडे मैं खा नहीं सकती हूँ क्योंकि हम थर्सडे को नॉनवेज नहीं खाते। अब हुआ क्या, मुझे क्रेविंग होने लग गई कि मुझे भी ये कस्टर्ड कैरेमल खाना है, पर ये एगलेस नहीं है। एंड फिर मैंने ऐसे थोड़ा स्क्रॉल किया और उसके बाद ही मुझे एगलेस कस्टर्ड कैरेमल रेसिपी की रेसिपी आगे ही पॉपअप हो गई और मैं देखना चालू कर दी। और मैंने देखा बहुत आसान था, घर पर कस्टर्ड कैरेमल बनाना बहुत आसान था। तो मैंने बोला अब भी बनाती हूँ ना, वैसे भी किचन जा ही रही थी राज का नाश्ता, मेरा नाश्ता, सबका नाश्ता बनाने के लिए। तो मैंने कहा अब भी बना देती हूँ, कौन सी बहुत बड़ी बात है। मैंने क्या किया, ब्रेड लिया, ब्रेड के कोने जो है उन्हें काट लिए, उसके बाद उन ब्रेड को मैंने मिक्सर में पीस लिया जिससे मुझे ब्रेड क्रम मिल जाए। तो ब्रेड क्रम्स तो मुझे मिल गए, बहुत आसान है ब्रेड क्रम्स घर पर बनाना, आपने देखा ही। उसके बाद मैंने क्या किया, कस्टर्ड पाउडर निकाला, 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को मैंने एक कटोरी में लिया और लगभग आधा कप पानी डाला, और मुझे आ रही है छींक, मेरे नाक में खुजली हो रही थी तो छींक कभी भी आ सकती है, मैंने कंट्रोल कर लिया। वैसे एक छींक को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है, पर मैंने कर लिया। ओके चली गई, मेरी नाक में खुजली हो रही है। ओके उसके बाद बैक टू द पॉइंट, मैंने एक तरफ दूध लिया लगभग 2 बड़े कप, उसमें डाली चीनी और उसे गर्म होने के लिए रख दिया और उसको हिलाती भी रही। उसी के साइड में मैंने क्या किया, लगभग 2 बड़े चम्मच चीनी और थोड़ा सा कुछ बूंद पानी के डालकर उसका कैरेमल बनाने के लिए रख दिया। कैरेमल का आपको पता कितना आसानी से बन जाता है, तो वो कैरेमल बनने लग गया, कैरेमल सिरप। अब मैंने वो जो कस्टर्ड भिगो कर रखा था कस्टर्ड पाउडर को पानी में, उस कस्टर्ड पाउडर को भी मैंने वो उबलते हुए दूध में डाल दिया, हिलाया लगभग 2 मिनट के लिए, और उसके बाद जो ब्रेड क्रम्स बनाए थे वो भी डाल दिए, उसे भी हिलाया। अब जो मेरा ये कैरेमल सॉस बोल सकते हैं या सिरप, वो तैयार हो गया। उसे मैंने एक मोल्ड में डाला और जैसे ही मेरा ये जो कस्टर्ड तैयार हो गया उसे भी हल्का मैंने ठंडा किया, पूरा नहीं हल्का सा, बहुत गर्म था ना तो थोड़ा सा ठंडा किया। और ब्रेड क्रम्स डालते ही ना वो थोड़ा सा गाढ़ा होने लग गया क्योंकि उसमें कस्टर्ड ब्रेड क्रम्स, तो अच्छा खासा गाढ़ा होने लग गया। और फिर मैंने उसे डाल दिया मोल्ड में जिसमें मैंने कैरेमल डाला था सिरप, उसी के ऊपर उसे भी डाल दिया। अब इसे मुझे लगभग ना आधा घंटा के लिए स्टीम करना था, मैंने क्विकली स्टीम करने भी रख दिया, ठीक है। अब आधे घंटे के बाद स्टीमिंग अच्छे से हो गई, थोड़ा सा सेट नहीं हुआ था तो मुझे लगा फ्रीज में तो इसको वैसे ही 2-3 घंटे के लिए रखना, उसके बाद ये सेट हो ही जाएगा, तो मैंने उसे फ्रीज में भी रख दिया। मतलब लगभग 10:30 बजे मेरा वो जो स्टीम होकर बन गया था, और फिर मैंने 10:30 बजे उसे फ्रीज में भी डाल दिया और फिर मैंने निकाला। तो आपको ये फोटो दिख रही है ना, एक्चुअली ऐसा होता है ना कैरेमल कस्टर्ड, मेरा वैसा नहीं था। जब मैंने उसे डीमोल्ड किया तो टूट गया था, ऐसे बहुत गंदी सी शेप में था, बहुत ही गंदे, वो देख रहे हो ना आप स्क्रीन पर, उस शेप में वो डीमोल्ड हुआ। मतलब एक्सपेक्टेशंस कैसी थी और रियलिटी कैसी थी, मतलब ये हो गया एक्सपेक्टेशन और ये है रियलिटी, और दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं कुक क्या करती हूँ और फिर बन क्या जाता है। तो मुझे कुकिंग थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल अच्छी लगती है, कुछ नया बनाना बहुत अच्छा लगता है, और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। बट ये देखिए, ये है रियलिटी शी बना बहुत अच्छा बना है। मतलब
अगर ये वेल सेट हो जाता ना, बिलीव मी, किसी भी फाइव स्टार होटल के कैरेमल कस्टर्ड की तरह ये मैं भी अपनी फैमिली को प्रेजेंट करके दे सकती थी, खिला सकती थी, अपना नाम कमा सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ. बट मैंने क्या गलती की वो मुझे समझ में आ गई है. मुझे जो इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर है उसे थोड़ा और डालना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा कम डाल दिया. तो आप जो रेसिपी बनाएंगे मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताई है उसमें थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर ज़्यादा डाल दीजिएगा, ठीक है. बना बहुत अच्छा, इतना अच्छा ना कि क्या बताओ. इसका जो ये कैरमल है ना ऊपर का, वाह वाह, उसका एक हलवा, हल्का सा कड़वापन इस कस्टर्ड के साथ, मीठा मीठा, बहुत ही बढ़िया. पर कल है फ्राइडे और कल मैं एग वाला कैरमल कस्टर्ड बनाऊंगी. आपको पता है मैं किसी चीज़ के पीछे पड़ जाती हूँ तो पड़ ही जाती हूँ, अभी ऐसा ही कुछ होने वाला है. मैं इसके पीछे पड़ गई हूँ. आज तो मैंने एगलेस बना लिया थर्सडे की वजह से, कल बनाऊँगी एग वाला पक्का. अगर बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी. तो आप भी बता सकते हैं कि मेरी मिस्टेक क्या है, या फिर कुछ और डिटेलिंग में भूल रही हूँ, या इससे भी अच्छा कुछ और कर सकती हूँ, तो प्लीज़ बताइएगा. बिकॉज आई जस्ट लव स्वीट डिशेस एंड कमज़ोरी, ऐसा बोल सकते हैं जी, हाँ, वीकनेस. मैं उसे दूर रखूँगा, इसको पूरा ख़त्म कर दूँगी. इसमें चीनी बहुत डाली है मैंने. चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा. और होली की कुछ रेसिपी लेकर आओ, क्योंकि मन तो बड़ा है खुद करने का. होली वाली रेसिपीज बताओ, ठीक है. चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर. स्माइली आज का ये वाला लगा दूँ.